अल्लाह का शुक्र है कि बस मांगने से बचे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सबसे बुरी शक्ल जो हो ना क़यामत वाले दिन मांगने वाले की होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। मैं इस वक्त एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूं जो कि एक टांग से माजूर है। मोहम्मद अमीन साहब ने इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि इस माजूरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, उन्होंने सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह से मांगा और मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अमीन साहब से और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या वाकया, कोई ऐसा हादसा पेश आया उनके साथ जिसकी वजह से उनकी टांग ज़ाया हो गई। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अमीन साहब ये बताइए कि आपकी जो टांग है वो उसको क्या हुआ था, ऐसा क्या हादसा पेश आया था? सर ये उल्टे टांग और बाजू पे फालज है जिसकी वजह से सही चला नहीं जाता है। किसी हालत में रोड क्रॉस कर रहा था, तेज़ गाड़ी आ रही थी, उसका जो है ना मैं गिर गया तो भैया ऊपर से गुजर गया, पाँव जो ना बिल्कुल जो वो फिसल के चला गई और इसकी वजह से पाँव कट गया, तो इस वजह से मजबूर हो गया मैं। अच्छा अमीन भाई ये बताएं आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं? ये बस अल्लाह का शुक्र है कि मजदूर होने से पहले जो मैं इधर रेडियो लगाता था फ्रूट की, तो उधर एक्सीडेंट हो गया, तो जब आया तो दोस्तों ने बोला कि आप जो है ना ये रेडी वगैरह लगाएं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह मैंने ये रेडी लगा ली, ये खिलौने वगैरह हैं, ये बच्चों का सामान है, घरेलू सामान है छोटा मोटा, ये मार्केट से ले आता हूँ, थोड़ा बहुत बिक जाता है, कुछ थोड़े बहुत लोग जो है वो मदद भी कर देते हैं, किसी वक्त कुछ मदद हो जाती है, तो बस इस तरह काम चल रहा है। बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक को मैंने छुड़वा के अपने साथ रखा हुआ है छोटे बच्चे को, क्योंकि मैं जो ना ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, पानी वानी लाने के लिए या चाय लाने के लिए या खाना वाना लाने के लिए उसको साथ में रखा हुआ है। अमीन भाई माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत है माशाल्लाह से, आप अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, आपका क्या ख्वाब है, आपका क्या एक ड्रीम है कि आपके बच्चे क्या बने बड़े होकर? जी मेरा ख्वाब ये है कि मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, साइंस का मज़मून उनको रखवाया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो अच्छा पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि ये बच्चों की फ़ीस वगैरह पूरी हो जाए या उनकी किताबों का कोई मसला हल हो जाए, जो भी उनके अखराजात आने जाने के हैं या स्कूल के हैं वो पूरे हो जाएँ, तो इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मदद कर रहा है। जो थोड़ा बहुत होता है वो घर भेज देता हूँ, कुछ इधर खा लेता हूँ, कुछ दोस्तों यारों के साथ जो है वो रोटी पानी का काम चल जाता है, कभी चल जाता है, कभी भूखे भी रह जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। अच्छा अमीन भाई मैं देख रहा था कि जो आपकी बाइक है ये बिल्कुल मैनुअल है, इसमें कोई सेल्फ नहीं है, आपको बहुत दिक्कत होती है, आप किक मारते हैं, आपके पाँव में जो है आप जाहिर सी बात आपका पाँव नहीं है एक पाँव, और आपके साथ हादसा बड़ा ख़तरनाक हुआ है, कितनी परेशानियाँ आती हैं, कितनी दुश्वारी आती है, कभी आपने कहीं से किसी इदारे से कोई हेल्प ली हो, किसी इदारे ने किसी मुखय्यर हजरात ने आपकी कोई हेल्प की हो कि यार हम अमीन भाई हम आपका साथ देते हैं? जी मैंने बहुत दफ़ा दो चार इदारों के पास भी गया हूँ कि ये हाथ से स्टार्ट करता हूँ, फालिज वाला हाथ है उससे स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती, कभी किसी को बोल के स्टार्ट कराता हूँ, तो इदारे वालों के पास भी गया हूँ दो तीन दफ़ा, तो उन्होंने बस कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला है, चार पाँच साल से ये लेके नहीं दिए, किसी से गुजर बसर कर रहा हूँ, ये भी किसी ने लेकर दी हुई है अपने तौर पर, मेरी अपनी नहीं है, बस इस तरह काम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि बस मांगने से बचे हुए हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, सुबह खुशी में अल्लाह ताला ने बस जो रोज़ी लिखी है वो दे देता है, हम शाम को खा लेते हैं, कुछ बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे उधर गांव में हैं और हम इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बाप बेटा दूसरे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्ची है और सब इस तरह अल्लाह ताला गुजरात कर रहा है बस। आप जिस एरिए में आपने शॉप लगाई भी है अपनी, उस एरिए में तो अक्सर ऐसे गदागिर लोग घूम रहे होते हैं जो मांग रहे होते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी उनके लिए पैगाम ये है कि मेहनत में अजमत है, मेहनत करके खाने में जो है लज्जत वो मांगने में नहीं है, बेहतर है कि ये जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सबसे बुरी शक्ल जो हो ना क़यामत वाले दिन मांगने वाले की होगी, इस वजह से मैं दस पढ़ा हुआ भी हूँ, इसलिए मैंने वो शोभा इख्तियार नहीं किया है। नाज़रीन आप में से कोई भी मुखय्यर हजरात इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हों, आप चाहते हैं कि अमीन भाई की हेल्प करना है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर अमीन भाई की हेल्प करें, अमीन भाई की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर आके ख़रीद भी सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी अपने घर के लिए भी। अमीन भाई आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त किस लोकेशन पर हैं, वो जगह का नाम क्या है?
जी मैं बादराबाद चार मीनार चुरंगी का इलाका है ये, और उस बादराबाद इलाके के अंदर एक कुर्तबा मार्केट है। मेरे दाईं तरफ जो है वो राबी आर्किड है और उल्टी तरफ जो है वो वाफ्लैक्स है। गली की बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर जो है ना मेरा ठेला लगा हुआ है खिलौनों का।